तो दोस्तों, रशिया से इस समय एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आई है, और जिस बात का अंदाजा बहुत पहले से लगाया जा रहा था, ठीक कुछ वैसा ही होने जा रहा है, जिससे अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच में खलबली मच चुकी है। दरअसल आप सभी को पता है कि जब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई है, तब से रशिया को लेकर अमेरिका दुनिया भर के देशों को ज्ञान देता है, और स्पेशली तौर पर भारत के ऊपर तो पश्चिमी देश दबाव भी बनाते हैं कि भारत रूस का साथ छोड़ दे और हमारे साथ मिलकर रूस की कड़ी आलोचना करे। परंतु भारत ने ऐसा तो नहीं किया, परंतु ये चाइना से भी रूस की आलोचना नहीं करवा पाए हैं। और अभी यह खबर निकल के सामने आ रही है कि जो सी जिनपिंग हैं, वो मास्को पहुंच चुके हैं। दरअसल आप सभी को पता होगा कि आज से कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि चीन और रशिया के बीच में दोनों ही देश के राष्ट्रपतियों के द्वारा एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जो कि रूस के अंदर होगी, और इसको अटेंड करने के लिए चाइना के राष्ट्रपति भी रूस जाएंगे। तो दोस्तों, आज चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, वो रशिया पहुंच चुके हैं, और इस खबर के आते ही अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, वो एक शांति दूत के रूप में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को शांत करने के लिए अपना रोल निभाने वाले थे। परंतु अब पश्चिमी देशों के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि इस मीटिंग के पश्चात कहीं चाइना रशिया को यूक्रेन की लड़ाई में हथियार को डायरेक्ट सप्लाई करना स्टार्ट ना कर दे, और इस बात को लेकर यूरोप समेत अमेरिका की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस समय रशिया को हथियारों की तत्काल आवश्यकता है, और जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन की लड़ाई के कारण अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस और चाइना की दोस्ती गहरी होती जा रही है, उससे तो यही लग रहा है कि आगे चलकर चाइना यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रशिया को हथियार सप्लाई कर सकता है, और इस बात को देखते हुए पश्चिमी देशों की भी नींदें उड़ी हुई है। खैर, अब आज व्लादिमीर पुतिन और सी जिनपिंग के बीच में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, और आगे चलकर रूस और चीन क्या फैसला लेते हैं, इसके बारे में तो बाद में ही पता चलेगा। पर आप सभी को क्या लगता है, और क्या चाइना रूस और यूक्रेन की लड़ाई में एक शांति दूत बनेगा, हाँ या फिर ना, कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।